नमस्कार दोस्तों मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में सो so दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेद अर्थात इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसी प्रकार हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत के भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थात भारत में किस किस ने नोबेल पुरस्कार अब तक जीता है इसके लिए एक ही ट्रिक में सारे नोबेल पुरस्कार विजेताओं को मैंशन किया गया है इसके लिए ट्रिक है रवि सर हमारे शुभ आम नाबिके रवि सर हमारे शोभा आम रवि अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था सर 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 रवि अर्थात सीवी रमन सीवी रमन इन्हें 1930 में रवन प्रभाव के लिए भौतिकी के क्षेत्र में की के क्षेत्र में, में 1930 में नोबल पुरस्कार मिला था अर्थात हरगोविंद खुराना हर खुराना इन्हें उन्नीस में कृत्रिम जीन के संश्लेषण में अर्थात कृत्रिम के के मिला था 1968 में मरे अर्थात मदर टेरेसा मदर टेरेसा मदर टेरेसा को उन्नीस में शांति के लिए नोबल पुरस्कार मिला था यह समाज सेविका थी शुभ अर्थात सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के लिए चंद्रशेखर सीमा के लिए उन्नीस में नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए चंद्र शेखर सीमा के लिए आम अर्थात अमर्त्य सेन इन्हें उन्नीस सौ अंठानवे में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला था अर्थात यह एक अर्थशास्त्री थे कल्याणकारी अर्थशास्त्री थे ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसी प्रकार ना अर्थात वी एस नायपॉल वी एस नायपॉल इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में वी अर्थात वैंकट रामकृष्ण वैकट रमण रामकृष्ण इन्हें 1909 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था 2009 में रसायन के क्षेत्र में रसायन विज्ञान इनने प्रोटीन का निर्माण किया था प्रोटीन के निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना की कार्यप्रणाली को प्रस्तुत किया था कि के अर्थात कैलाश सत्यार सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी इन्ने दो हजार चौदह में शांति के क्षेत्र में इन अपना नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफ के साथ साझा किया था अर्थात मलाला यूसुफ को और कैलाश सत्यार्थी को साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में आगे अब तक केवल दो बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फर्डर को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशाल्ट को 1961 में 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा आइए हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ट्रिक क्या थी रवि रवि सर हमारे सुबह आम बिके रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला सर अर्थात सी वी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला हाँ हर गोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला मारे अर्थात मदर टेरेसा उन्नीस में शांति के क्षेत्र में शांति और साहित्य के क्षेत्र में ने किया था पर इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में शुभ अर्थात सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उन्नीस सौ 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था आम अर्थात अमर्त्यसेन उन्नीस अर्थ अर्थ में कल्याणकारी अर्थशास्त्र थे अर्थशास्त्री थे क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था नाम अर्थात वी एस नायपोल दो में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वी अर्थात वेंकट रमन रामकृष्ण 1909 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और काई की खोज की थी ना प्रोटीन के निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना राइबोसोम सोम की खोज की थी प्रोटीन के निर्माण करने वाली के अर्थात कैला सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए शांति के लिए और मृत अब तक केवल दो बार मृत व्यक्तियों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है एरियक्स कार्ल फाल्डर को उन्नीस में और डैग हेमर को उन्नीस में और 1974 के बाद यह नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए थैंक यू